हेलो भाई, जैसा कि मालूम है कि आपको डबल हेडर मैच है, जो कि पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश और दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि 2 PM पे मैच खेला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। श्रीलंका अभी एक मैच खेली है, एक मैच हारी है, और दूसरी टीम पाकिस्तान नीदरलैंड से सेम स्टेडियम में, राजीव गांधी हैदराबाद में, मैच जीत कर नीदरलैंड से आ रही है। तो इस वीडियो में, अगर पहला वीडियो भी आप नहीं देखे हो तो जाइए वो देख लीजिए। आपको वीडियो देखने के बाद आपको इन डेस्क्रिन पे वीडियो मिल जाएगा, और उसमें मैंने बता दिया है इंग्लैंड से बांग्लादेश में क्या होने वाला, सेशन कैसे करोगे, मैच में कौन जीतेगा, कैसे एंट्री लेना, सब कुछ बता दिया है, तो देख लेना। अब इस वीडियो की बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की। तो दोनों टीम काफी इस वर्ल्ड कप में बैलेंस दिख रही है, हालांकि श्रीलंका के इंपॉर्टेंस प्लेयर मिस किए हैं, जैसे हसरंगा जैसे बॉलर, तिकसाना जैसे इंपॉर्टेंस बॉलर, जैसे श्रीलंका के बैकबोन थे, मिस कर रहे हैं। फिर भी श्रीलंका काफी अच्छा फाइट कर रही है, आपको साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखने को मिला, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी। तो 10 अक्टूबर ट्यूसडे को मैच खेला जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैच में क्या होने वाला है, कैसे आप क्या करोगे सेशन में। जैसा कि आपको मालूम है, सेशन में काफी शानदार काम दिया जा रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ। तो मेरे टेलीग्राम पे जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ध्यान में रखिएगा, विक्रम बजेटिया प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। बाकी ये नंबर है 9319409525। मैच में किसी का डाउट हो, पूछना हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करते ध्यान रखना, नंबर ही पहचान है, ये नंबर वेरीफाई कर लेना। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम 2 PM में मैच खेला जाएगा, वही बात करेंगे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो दोनों टीम ने 152 मैच, काफी अच्छा खासा मैच खेल रखे हैं। पाकिस्तान श्रीलंका ने ओडीआई फॉर्मेट में, पाकिस्तान ने 92-59 श्रीलंका ने जीता है। श्रीलंका काफी डोमिनेट, जब मतलब कि आपको 2013-14 से पहले काफी श्रीलंका डोमिनेट करते आ रही थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने, मतलब पाकिस्तान की टीम अच्छी हो गई और श्रीलंका की टीम थोड़ी डाउन हो गई, जिसके कारण पाकिस्तान विनिंग परसेंटेज बढ़ते गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में 7 में से 7 मैच श्रीलंका ने एक भी मैच नहीं जीता है, ध्यान में रखिएगा। हेड टू हेड बात करेंगे, अभी तक इस मैच, इस पिच पे दोनों टीम पहली बार खेलने वाली है। अगर रिसेंट बात करें, 14 सितंबर 2023 को सितंबर में कोलंबो को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था, और डीएल मैटर से पाकिस्तान यहाँ पे, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ने सीरीज जीता था। वही रिसेंट हम बात करें एशिया कप, दोनों टीम खेल के आ रही है रिसेंट मैच, इससे पहले मतलब कि ग्रुप स्टेज मैच खेली थी, मतलब बायलेटरल सीरीज खेली थी, और पाकिस्तान भी हारी थी और श्रीलंका भी हारते हुए नजर आई थी, लेकिन लास्ट मैच वर्ल्ड कप का है, और यहाँ पे जो कि इंडिया के सामने एशिया कप में कोई टिक नहीं पाया था, इंडिया ने एशिया कप जीता था। अगर हम बात करें, चैंपियन रह चुकी है 1992 की पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और टोटल 80 में से 45 मैच, यानी विनिंग परसेंट देख सकते हो लगभग लगभग यहाँ पे 60% है विनिंग परसेंट अप्रोक्स में। वही बात करें श्रीलंका की, बात करें 1992 के बाद 1996 में चैंपियन बनी, और दोनों टीम काफी मतलब फाइनल मैच खेली है, क्वालिफायर मैच में पहुंची है, बहुत अच्छा मैच खेली है, और 83 में से 38 ने जीता है यहाँ पे श्रीलंका ने। बात करेंगे पिच रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट की अगर देखना, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 मैच में से 2 मैच यहाँ पे वर्ल्ड कप खेले गए, दोनों मैच न्यूजीलैंड ने 222 रन डिफेंड कराया, पाकिस्तान ने 286 नीदरलैंड के खिलाफ डिफेंड कराया। तो देख सकते हो काफी यहाँ पे अच्छा स्कोरिंग, और जिसने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें न्यूजीलैंड नीदरलैंड का मैच हुआ था, उसमें बता दिया था कि न्यूजीलैंड फर्स्ट बैट पे आएगी, 300+ स्कोर देगी, और जो बोला था भाई मेरे वही हुआ। अगर वीडियो से अपडेट हो, कभी आपका लॉक्स नहीं हो सकता, लंबी ऐसे ही पास हो गया। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यानी कि फर्स्ट बैट को बहुत सपोर्ट करता है, फर्स्ट बैट पे बैटिंग करना एज कम्पेयर टू सेकंड बैट पे यहाँ पे बहुत आसान है। थोड़ी 70 मीटर की बाउंड्री रह रही है, तो यहाँ पे जो भी है थोड़ा पिच सेकेंड इनिंग में स्लो हो रहा है, और थोड़ा नाइट मतलब सेकेंड 20-30 सेकेंड इनिंग के 20-30 ओवर बाद यहाँ पे थोड़ा ड्यू आ जा रहा है, तो अगर रन कम हो, रन यानी 6-7 रन रिक्वायर्ड चाहिए, ओवर पर रिक्वायर्ड रन चाहिए, तो यहाँ पे चेस करना आसान हो जाएगा। टॉस विनिंग कैप्टन यहाँ पे फर्स्ट बैट की तरफ जाएगा, फर्स्ट बैट पे यहाँ पे, हालांकि चेसिंग ड्यू अगर स्कोर 250-260 हो तो यहाँ पे चेसिंग आसान हो सकता है, 290+ वाले स्कोर यहाँ पे चेस करना काफी डिफिकल्ट है, हालांकि पाकिस्तान अगर चेस पे आती है तो 290 तक चेस कर सकती है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पे पाकिस्तान का 300+ देखा जा रहा है फर्स्ट इनिंग में, वही श्रीलंका में 250+ देखा जा रहा है। टीम न्यूज बात करें पाकिस्तान की, तो बाबर आजम स्क्वाड को लीड करेंगे, कोई इंजरी अपडेट नहीं है, श्रीलंका की तरफ से धनुष सनाका स्क्वाड को लीड करेंगे,
और दोनों टीम में अभी तो कोई इंजरी अपडेट नहीं है। प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगा फकर जमाम, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, सद्दाब खान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हरीश राव। श्रीलंका की तरफ से पठुम निशांगा, कुशल पटेरा, कुशल मैंडी, संविकर्मा, असलंका, धनंजय डिसिल्वा, धनुष सनागा, दुनित वेलैंग, कसु रजिता, मथिसा पतिराना, दिलशान मधुसंका, ये प्लेइंग 11 आपको देखते हुए मिलेंगे। हॉट फेवरेट टीम है पाकिस्तान इस मैच के लिए, लेकिन ध्यान में रखिएगा मैच आपको काफी यहाँ पे कलरफुल मैच देखने को मिल सकता है आपको, और श्रीलंका इस मैच में तो काफी अच्छा फाइट देने वाली है, जो समझदार के लिए इशारा काफी है यहाँ पे आपको। जब भी यहाँ पे श्रीलंका पाकिस्तान को मैच हुआ है, अच्छा फाइट वाले मैच देखने को मिले है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल दोनों टीम के लिए फेवरेट है, बॉलिंग और बैटिंग जैसे अटैक है इनके पास। फैंटेसी पिक यानी ड्रीम इलेवन टीम पिक करते हो तो ड्रीम इलेवन टीम पिक करते समय जो प्लेयर ड्रीम इलेवन टीम में फैंटेसी गुरु अन्ना के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे दूंगा। फैंटेसी पिक करते हो तो ध्यान रखिए कौन कौन से प्लेयर आपको पिक करना है। रिजवान, बाबर आजम, इमामुल हक, इफ्तिकार अहमद, सद्दाब खान, शाहीन अफरीदी, हरीश राव। श्रीलंका कुशल मैंडी, चलित असलंका, धनंजय, दुनित वेलैंग। बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा है एज अगेंस्ट श्रीलंका, तो बाबर आजम को आप कैप्टन बना सकते हो इस मैच में। रिजवान को पिछला मैच में चल दिया है तो रिस्क मत लीजिएगा, एक मैच ऑलरेडी अच्छा किया है। और वाइस कैप्टन बात करें यहाँ पे धनंजय डी सिल्वा ऑप्शन होगा, और चरित असलंका, सम विकर्मा, ये सब अच्छे ऑप्शन होगा। सम विकर्मा को आप ग्रांड लीग के लिए पिक जरूर कीजिएगा। भाई मेरे वीडियो तो आपके लिए काफी परफेक्ट बना, सारे एनालिसिस कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्या होने वाला मैच में। वीडियो में तो बहुत कुछ बता दिया हूँ, बहुत कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकता, तो आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।